विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां जिला प्रशासन लाख दावा करे कि किसानन के समस्यान का हल करे के खातिर खास टीम लगाई गई है और दूसरे राज्यों से धान रीवा में नहीं आ रही है। बताई दे कि जौन हालात देखात लाग है, उसे नहीं लागत आए कि प्रशासन जौन दावा किए ही वह सही है। अपना पंचन को बताई दे कि त्योथर तहसील के बघेड़ी खरीदी केंद्र से ऐसा निठे मामला सौहे आवा है, जहाँ खुलेआम किसानन का दीन जाए वाला वारदाना व्यापारी का दीन जालना है और व्यापारी खुलेआम दुपहिया मा वारदाना लोड करके अपने दुकान लेके जा रहे हैं। ये अपना पंचन का दिखाई थे कौन तरह से शासन और कलेक्टर के आदेशन के धज्जियां उड़ाई जात लाग हैं और किसान कौन मेर से परेशान हो रहे हैं। हमारा नाम है, पापा का नाम से है। क्या नाम है? लोग कहाँ से हैं आप? आपकी खरीदी केंद्र कौन सी है? यहाँ आपकी क्या समस्या है? हमारा बोरी नहीं मिल रहा। काहे बोरी क्यों नहीं मिल रही है? पता नहीं काहे नहीं मिल रहा। आप कितने दिन से यहाँ हैं? 27 तारीख का 3 तारीख 6 दिन से आप यहाँ हैं और यहाँ सुनने में आया तौलाई का भी पैसा लिया जाता है। क्या रेट लिया जाता है? 16 रुपए कुंटल। सर यहाँ बघेड़ी खेत खरीदी केंद्र बना है। जी जी। मेरा नाम दीपेंद्र मिश्रा है जी। और यहाँ पे खरीदी आज मैं 28 तारीख से यहाँ पे हूँ और मेरा डेट भी जा चुका है। अभी तक न तो स्लॉट बुक किया गया है, न टोकन काटा गया है। अच्छा। और न ही भी चढ़ाया गया काफी। 11 रुपए कुंटल प्लस 1 रुपए बोरी सिलाई प्लस 3 रुपए बोरी चौकाई, टोटल 15 रुपए खर्चा लिया। ये कहा है ये तो शासन के द्वारा नहीं लिया जाता, ये क्यों लेते हैं? पता नहीं क्यों सर, यहाँ सर किसान से लिया जाता है। जब इनसे बोलते हैं काहे का लेते हैं तो क्या बोलते हैं? जाओ SDM जहाँ शिकायत करना कर दो, SDM कलेक्टर जहाँ बात करना कर लो। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में मध्य प्रदेश के NBH प्रमाण पत्र ले वाला पहला शासकीय अस्पताल बना है। ये अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी जा रही। बताई दे कि यह साल आयुष्मान कार्ड से लगभग 20 करोड़ रुपया के उपचार सुविधा दी गई है। यह उपलब्धि कर लय के कलेक्टर मनोज पुष्प का कहीं नई सुनी थे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को NABH जो प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, ये निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। जब प्रमाणीकरण की टीम आई थी तो 3 दिनों तक लगातार उस पर काम किया गया था और जो क्वालिटी कॉन्शसनेस डेवलप हुआ है, जो सुविधाएं हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है और जो सर्विसेज दी जा रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माना है। और ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश का जिसको NABH प्रमाणीकरण मिला है। जब रक्षा करे वाला भक्षक बन जाए तब फिर आम जनता के ऊपर भरोसा करी। कुछ ऐसे मामला रीवा जिले से प्रकाश में आवा है, जहां DIG कार्यालय में पदस्थ आरक्षक रावेन्द्र सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। बताई दें कि आधा सैकड़ा की संख्या में पहुंचे लोग DIG का ज्ञापन सौंपे हैं और ओ रेस्टोरेंट के असली मालिक का सुपुर्द करे और ओखे अंदर संचालित अवैध गतिविधियन का बंद करावे के मांग की नहीं। आई अपना पंचन का सुनाई थे दुखियारी कौन मेर से गंभीर आरोप लगाई थी। श्रीमान DIG कार्यालय आए, DIG महोदय को एक ज्ञापन पत्र दिया गया, आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि एक सोनी जी का एक रेस्टोरेंट बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड के पास है, संचालित होता है। इस बस स्टैंड में एक आरक्षक हैं जो अपना कार्यालय या कार्य क्षेत्र DIG कार्यालय बता रहे हैं। इनके साथ बीच में इनकी दोस्ती थी, आपस में साथ में रहते थे, ये रेस्टोरेंट चलाते हैं। उस रेस्टोरेंट में अवैधानिक तरीके से वो कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करने के बाद वो दहशतगर्दी का माहौल कायम किए हुए हैं। और साथ में RDO है जिस RDO में पूरे रीवा जिले के अधिकारियों को अपने धमकी उनके नाम पर दे रहे हैं, अश्लील अमर्यादित अपशब्द भी कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोगों का नाम भी उसमें उल्लेख आ रहा है। उस RDO को हम आप तक पहुँचाएंगे, इनके माध्यम से देंगे। और साथ में उनके द्वारा बिना नियम रेगुलेशन, जो खाद्य विभाग का रेगुलेशन है, सोनी जी के नाम एग्रीमेंट है, सोनी जी के नाम लिखा पड़ी है, अनुमति है इसकी, इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इनके द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत, खाद्य विभाग के अंतर्गत इन्होंने वैधानिक अनुमति दी है। तो इनका ये कहना है कि अनुमति मेरे नाम से है, कब्जा उनके नाम में है, दहशतगर्दी के उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया है। यदि कुछ होता है अवैधानिक या अश्लील अमर्यादित काम होते हैं तो आखिर जवाबदारी किसकी होगी? तो आज माननीय DIG साहब का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट को तत्काल सील कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए।
रेस्टोरेंट में जब इस तरह की सब कृत्य हुए थाने में सूचना नहीं, इसकी सूचना मानी परसों भी दी गई है, दूरभाष से दी गई है, व्यक्तिगत तौर डीआईजी साहब के संज्ञान में है। उन्होंने आज ये भी कहा है कि हमारे संज्ञान में प्रकरण आया है और हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन के साथ साथ उन्होंने वरिष्ठ अपने कनिष्ठ अधिकारियों को, अपने समकक्ष अधिकारियों को उन्होंने सूचित भी किया है और उन्होंने थाना प्रभारी जी को सूचित किया है। हम लोगों को भी कहा है कि आप जाइए उनके से मिलिए और हम माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में मिलेंगे कि इस प्रकार जो न्याय देने का सहयोग में काम करते हैं वो दहशतगर्द हो गए हैं, तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा ये काम किया जाना अवैधानिक है और एक पुलिस को, एक कर्मचारी को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो रेस्टोरेंट नहीं चला सकते या उनके द्वारा एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट इनके नाम है तो निश्चित तौर से अवैधानिक है, इसमें कोई दूसरे विषय ही नहीं है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ऐसा इनको, इन्होंने कहा है। हाँ, अभी उनके रेस्टोरेंट वहाँ सीसी कैमरा लगा है, सीसी कैमरा का अवलोकन के लिए मैंने उनसे कहा है, डीआईजी साहब को पेनड्राइव देने की बात कही है, जो आरडीओ है आरडीओ की भी जांच का विषय है, साइबर में जांच हो जानी चाहिए और ये इनके विरुद्ध, या कोई भी व्यक्ति ऐसा अवैधानिक काम करता है या अवैधानिक प्रक्रिया करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए एक डेलीगेट तिवारी जी और सभी प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय महोदय से मिला, मुलाकात की। डीआईजी कार्यालय ज्ञापन देने आया हूँ क्योंकि एक रविंद्र सिंह आरक्षक है, मेरा मित्र था, अब वो क्या है कि मेरे साथ गलत कर रहा है, रेस्टोरेंट में अवैध कब्जा कर रहा है, कब्जा किया हुआ है और वहाँ अनौपचारिक चीज़ें, कहीं नशाखोरी ये वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ करता है और पैसे का भी गमन किया है। मैंने बोला भी, उसने बोला कि दूंगा दूंगा, लेकिन अब बोलता है नहीं दूंगा, मारने की धमकी देता है, कहीं किसी से फ़ोन लगवाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। आप कब्जा कर लिया कि आप पार्टनर में उनसे बात कर रहे थे साथ में क्या? हाँ, पार्टनर में था, लेकिन मैंने जब बोला कि भाई आप पैसा दीजिए तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं लगाऊंगा और हिस्से का आधा आधा रहूंगा। मैं बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कोई पार्टनर नहीं है, तो उसने मेरे से गलत तरीके से व्यवहार किया, कई लोगों से फ़ोन पकड़ इधर उधर से लगवाया, खुद मारने की धमकी भी दी, बहुत सारी चीज़ें। उनके पास है व्यू, आप क्या है, आप दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हमको हमारा जो जान का खतरा है, उसने बोला कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और कई लोगों से फोन लगवाता है। आरक्षक वो कहाँ पे है अभी, कौन? वो यहाँ है, आपके बंगले में रहता था, अरे डीआईजी साहब के यहाँ बंगले में, अब वहाँ से शायद डीआईजी साहब निकाल दिए हैं। आपसे बातचीत हुई है, क्या है? हाँ, ऑडियो में बातचीत हुई है, गाली गलौज दिया है मेरे को, जान से मारने की धमकी भी दिया है, बहुत हाँ, अरे हो गया बहुत सारी चीजें। उस पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बिटिया स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाई सी और न्याय की गुहार लगाई सी। बताई दें कि यह मामला मनगवा थाना क्षेत्र के आए, जहां के रहने वाली बिटिया गांव के राजेंद्र सिंह नाव के आदमी पर छेड़छाड़ और विरोध करे पर मारपीट के आरोप लगाई सी। पीड़िता बताई कि मारपीट करे वाला ओखे साथ छेड़छाड़ की सी, विरोध करे पर मारपीट की सी, जहां ओखे शरीरों में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद एम्बुलेंस से उपचार के खातिर अस्पताल पहुंचावा गया है। ये अपना पंचन का सुनाई थे पीड़िता कौन मेर से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाई सी। सर, हम मतलब हमारे साथ मारपीट हुई थी तो हम वहाँ थाने पे रिपोर्ट कराने गए थे, तो वो लोग हमको मतलब बोल रहे थे कि जाओ बाहर जाओ बैठो, और मतलब बस रुकी की है हमारी ये गंगियों मड़ी, तो सर वहाँ पे हमारी बात नहीं सुन रहे थे और ऐसे ही धारा लगा दिए, जबकि हम हमारे साथ मतलब आदमी हमला किया था, गांव का है। हेलो, तो वो गांव का है, राजेंद्र सिंह नाम है आदमी है, वो अकेले मारा था हमको, मतलब अकेले हमारे साथ मतलब छेड़छाड़ किया, फिर जब मैं हल्ला करने लगी तो मारने लगा। शिकायत गंगेयो चौकी गए थे, एम्बुलेंस से गए थे सर, हालत खराब थी, बहुत ज्यादा मार दिया था, फिर उसकी बेबी भी आई, वो भी मारने लगी थी, तो सर कारण नहीं पता है, विवाद था। एक बार वो हम लोग को शराब पी के गाली दिया था हमारे घर पे घुस के, तो हमारी मम्मी लोग को बताया हम लोग, तो बोले कि वो उसके घर अब ना जाना, ना उससे कोई मतलब रखेंगे, शराब पी के गाली हमेशा देता है। तो सर एक बार वो हमको और रगेदा था मारने के लिए, छोटी थी मैं उस टाइम पे कुछ, तो फिर हम लोग उस समय से ये सब गलत करता था तो हम लोग मतलब नहीं रखते थे उससे, फिर वही वहाँ पे गए तो वहाँ हम लोग को सुने नहीं, वहाँ के लोग पहले ही पहुँच गए थे चौकी,
फिर वहाँ पे सुने नहीं और फिर हम लोग को डांट रहे थे, बोले बाहर चले जाओ मैडम को। फिर मैं दूसरे दिन बताई कि मैम इसमें जो लिखा है वो हमारे हमसे पूछ के नहीं लिखा गया है। तो मैम बोली कि तुम्हारे कहने से नहीं होगा, कि तुम बोलोगी कि हमारे शरीर में मतलब छुआ, उसने ऐसा मारा, वो सब नहीं होगा, धारा बनाई गई है, धारा हमने बना दिया है। मैम वहीं, अरे सर वहीं की हैं, वो थाना प्रभारी हैं, चौकी प्रभारी जी। सर शिकायत सर हम यहाँ कर चुके हैं, एसपी सर को आवेदन दिए। हमको जब पता चला कि मतलब हमारे साथ ये धोखा हुआ है, पुलिस हमारे साथ धोखा की है, तो फिर हम एसपी सर को आवेदन दिए, उनके बगले पे गए उसी दिन संडे को। फिर यहाँ अभी आ जाए हम, और वहाँ मतलब हम चौकी में भी बताया कि आप लोग हमारे साथ धोखा किए हैं, तो वो लोग कोई सुनने को तैयार ही नहीं थे, बोले तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। वो पहले वही बस हमारे साथ था, फिर हमारे मम्मी को और भाई को इसको कोई बताया, तब फिर ये लोग आए, तब तक में वो भाग दिया था। हाँ इसको फिर वो ये लोग हमको देखने लग गए, तो वो आया तो सिर में इसके डंडा मार दिया। ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के पीछे संचालित शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के सैकड़न लड़का कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपे हैं। बताए दी के बिना अनुमति के छात्रावास के निर्माण करावा जा लाग है और छात्रावास में समस्यान के अंबार लगा है। छात्र बताएं कि छात्रावास में मैदान बनावे के अनुमति तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा दीन गई है, लेकिन वहन अन्य छात्रावास बनावा जा रहा है। आई सुनीत हैं छात्रावास के छात्रन का किका मांग किए हैं। मेरा नाम मुन्नीलाल बैगा है, मैं आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास सिविल लाइन रीवा का अध्यक्ष। सर मैं बताना चाहता हूँ कि आए दिन हमारे छात्रावास में कई समस्याएं आ रही है, जो कि हमारी समस्या इस प्रकार से है कि पूर्व कलेक्टर जी द्वारा यहाँ दिया गया था, स्वीकृति किया गया था हमारे छात्रावास परिसर को ग्राउंड बनाने का, लेकिन ग्राउंड बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। और पता नहीं बिना स्वीकृति का, जो अचानक स्वीकृति होकर अनुसूचित जाति का ये जो छात्रावास बनाया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। यदि बन रहा है तो अनुसूचित जनजाति का छात्रावास होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि पूरे रीवा संभाग में यदि देखें तो पोस्ट मैट्रिक छात्रावास या स्नातकोत्तर छात्रावास देखें, एक भी संचालित हमारे लिए नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि यहाँ शासन प्रशासन बार बार आवेदन दिया जा रहा है, हम लोगों को ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन इन पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, न तो सुनवाई कोई कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेकर कार्यवाही करें और हम लोगों के लिए एक छात्रावास दें, और ये जो कार्य चल रहा है इसको कार्य के तत्काल बंद करके, अधिक कार्य चल रहा है तो उसे चलाएं, तो हमारे लिए छात्रावास प्रदान करें। कहाँ पर है ये छात्रावास? यह छात्रावास TRS कॉलेज के पीछे है, जिसका नाम है शासकीय महाविद्यालय इन अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास रीवा। ये पूरे रीवा संभाग में केवल एक ही छात्रावास संचालित है सर, वो भी केवल 50 सीटर है जी सर। इसके सीट बढ़ाने के संदर्भ में भी दिया गया था सर, कोई नहीं ज्ञापन दिया जी जी बहुत बार कई बार सर, माननीय कलेक्टर महोदय जी को और मुख्यमंत्री महोदय जी को, अभी अनुसूचित जनजाति आयोग जो आए हुए थे उनको अध्यक्ष, उनको भी दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसमें सीट बढ़ाने की भी मांग किया गया था और नवीन छात्रावास के लिए भी मांग किया गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिए सर। आज खातिर इतने, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।